बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्यारे प्यारे किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त आरजे मावी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देसी लाइफ देसी फ़न। तो दोस्तों, आज की स्पेशल न्यूज़ के साथ आपका दोस्त हाजिर है और देसी लाइफ देसी फ़न यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर के हवाले से आपको इस पर इन्फॉर्मेशन मिलती ही रहती है और मिलती रहेगी इंशाल्लाह। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल को भी ऑल पर प्रेस कर लें, वो दोस्त जो नए आए हैं मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, चलते हैं और आपको बताते हैं कि सब्सिडी की आज की क्या अपडेट है। सब्सिडी की रफ्तार बहुत स्लो हो चुकी है। सब्सिडी की रफ़्तार क्यों स्लो हुई है, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि पहले तो कुछ दिन सब्सिडी की रफ़्तार तेज़ थी, अब स्लो इस वजह से हुई है कि अब सिस्टम वेरिफिकेशन शुरू होने जा रहा है। आप सोच रहे हैं कि ये सिस्टम वेरिफिकेशन क्या है। ये सिस्टम वेरिफिकेशन वो है जो आपको सब्सिडी के लिए आपने आईडी कार्ड रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं, क्या आया कि ये सब्सिडी के लिए एल बंदे हैं, ये वाकया ही में ज़मींदार हैं, इनके नाम पे ज़मीन है या इनके नाम पे ज़मीन नहीं है, तो ये किसी की ज़मीन मुजेर पे काश्त करते हैं या फिर ये ज़मीन ठेके पे लेकर इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें वेरिफिकेशन में होंगी और ये वेरिफिकेशन किस तरह होगी, इसका फॉर्म होगा या इसके ज़रिए एप्लीकेशन के ज़रिए करते हैं, लेकिन इस बारे में फ़िलहाल अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया। तो जो नहीं इस बारे में बताया जाएगा तो वो भी हम आपके साथ आगाह करेंगे, आपके साथ न्यूज़ आपको देंगे और उससे आगाह हो जाएंगे आप। तो दोस्तों, अब बताते हैं आपको कि सब्सिडी के बारे में जो बात हम कर रहे थे कि ये सब्सिडी क्यों स्लो हुई है, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यही है कि जब वेरिफिकेशन काम शुरू होना है, वेरिफिकेशन का काम जब आपकी वेरिफिकेशन होनी है, उससे पहले रफ्तार अब कम होनी है, स्लो होनी है। वजह यह है कि अब आपके बारे में जितना भी पैसा आपको मिल रहा है सब्सिडी का, वो भी ब्लॉक कर दिया गया है इसी वजह से। और जो पैसा ब्लॉक है दोस्तों का, वो पैसा सुनने में आया है कि मिलेगा, क्योंकि वो पैसा आपका अपना है, हो सकता है आप हुकूमत को तो नहीं पता कि कौन बंदा ओरिजिनल काश्तकार है कौन बंदा ओरिजिनल काश्तकार नहीं है। तो बराए मेहरबानी आप लोग परेशान ना हो, 504 का एरर जो है ये ख़त्म होगा, लेकिन फ़िलहाल इसके बारे में अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है कि ये जल्द ख़त्म हो रहा है या किस टाइम ये जब ख़त्म होगा तो उस बारे में भी बता दिया जाएगा। लेकिन इस बारे में 504 के एरर के बारे में एक माह पहले भी अगर आपने कॉल की हेल्पलाइन पर, तो वहाँ से यही आवाज़ आई कि जी हेल्पलाइन पर आपने कॉल किया है, इसका एरर जो है ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कोई ख़त्म नहीं हो रहा भाई जान। ये ख़त्म होगा, बहुत टाइम लगेगा, जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, जब आपका मुकम्मल पता चल जाएगा कि ये ज़मींदार हैं तो तब। लेकिन जो लोगों के नाम रिकॉर्ड ज़मीन आ रही है, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड में ज़मीन है, शो हो जाती है, हालांकि वो भी पूरी शो नहीं होती, जितनी शो हो जाती है उतनी के तो पैसे उनको मिल रहे हैं, लेकिन कुछ बंदों को वैसे भी पैसे चले जाते हैं। हाँ, ये क्यों, इसकी क्या वजह है, जिनके नाम ज़मीन ही है उनके नाम पर पैसे कैसे आ जाते हैं, इस बारे में भी अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो दोस्तों, बहुत मेहरबानी आप लोगों ने तावन की, आप लोगों ने वीडियो देखी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके लिए एक नई मालूमात लेकर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए अपने दोस्त आरजे मावी को और देसी फन यूट्यूब चैनल को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।